The internet is full of bro science, fake knowledge, half information, or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon, and you never have to go anywhere else ever again. नमस्कार आदाब सत श्री अकाल दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं डॉक्टर परमजीत, आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। दोस्तों, कोविड 19 पैंडेमिक ने बहुत कंफ्यूज कर रखा है, बहुत अनसर्टिनिटी आ गई है, कोई भरोसा नहीं कब कहां किसको हो जाए, कौन बीमार हो जाए। इसी के चलते अब तो अनलॉक होने लगा है इंडिया, पूरी तरह से ऑलमोस्ट हो चुका है, और इसका बहुत ज्यादा प्रेशर आ गया है पब्लिक पे भी और हेल्थ केयर डिपार्टमेंट पे भी। कई गवर्नमेंट्स ने इसीलिए जो एसिम्प्टोमेटिक या लो रिस्क पेशेंट्स हैं उनको घर पर ही आइसोलेट होने के लिए, घर पर ही मॉनिटर करने के लिए बोला है, और इसके लिए सेल्फ मॉनिटरिंग सबसे जरूरी है। तो आपको पता होना चाहिए कि सेल्फ मॉनिटरिंग क्या है, क्यों करना है, कौन सी करनी है। यहां तक के गवर्नमेंट भी और कई लोकल अथॉरिटीज ने इस सेल्फ मॉनिटरिंग को मैंडेटरी भी कर दिया है। आई एम टॉकिंग अबाउट पल्स ऑक्सीमीटर। जी हाँ, पल्स ऑक्सीमीटर आपके लिए बहुत जरूरी है, जो आपके शरीर के अंदर मौजूद ऑक्सीजन लेवल आपको बताता है। यहां तक के दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने इस ऑक्सीमीटर को सुरक्षा कवच कहा है कि ये आपको आपकी जो बीमारी है उसको मिनिमाइज करेगा, हमें जल्दी पकड़ने में हेल्प करेगा, और इसकी स्क्रीनिंग से बहुत सारे लोगों की बीमारियां पकड़ में आई हैं। यहां तक कि अगर आप देखें कि एक ये सिर्फ लाइफ सेविंग डिवाइसेस नहीं है कि कोई पेशेंट आईसीयू में एडमिट है तभी उसका ऑक्सीजन लेवल 24 घंटे मेजर होगा, नहीं, अब घर में भी लोग सुबह दोपहर शाम राम हर घंटे, हर दो घंटे, हर छह घंटे अपना ऑक्सीजन लेवल चेक कर रहे हैं, जो करना चाहिए। इट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि अब इंडिया पूरी तरह खुल रहा है, जैसे जैसे लोग बाहर आ रहे हैं, जो बाहर है उसको रिस्क है, जो बाहर से घर में आ रहा है घर वालों को रिस्क है, घर में अगर कोई बुजुर्ग है, कोई बच्चा है, कोई बूढ़ा है, जो जिनकी इम्यूनिटी कम है, जिनको पहले से कोई बीमारी है, उनकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए। और याद रखिए, जो हाइपोक्सिया होता है इट इज अ साइलेंट हाइपोक्सिया, ये आपको पता नहीं चलने देगा। और अब अनसर्टिनिटी बहुत है, अब ऑल्दो आप इन्फेक्टेड हैं नहीं है, और यहां तक के अगर हो भी चुके हैं तब भी कई लोगों का होने के बाद भी लेटर स्टेजेस में हाइपोक्सिया होने के चांसेस है, बिकॉज ऑफ लंग डैमेज कितना हो चुका है कोई भरोसा नहीं। सो इसीलिए पल्स ऑक्सीमीटर तो आपके पास होना चाहिए। तो पल्स ऑक्सीमीटर के बारे में जब हमने लोगों से पूछा तो हमने देखा कि लोगों को एक्चुअल नॉलेज नहीं है कि पल्स ऑक्सीमीटर होता क्या है, यूज कैसे करना है। इसीलिए ये वीडियो आपको बनाना जरूरी कि पल्स ऑक्सीमीटर आपके फिंगर से आपके ऑक्सीजन लेवल को बता देगा। बहुत इजी है, पेनलेस है, कोई सुई नहीं लगती, कुछ ही सेकंड्स में आपका ऑक्सीजन लेवल और साथ ही आपका हार्ट रेट आपको बता देगा। पल्स ऑक्सीमीटर से आप ये देख सकते हो कि आपके सिम्टम्स बढ़ रहे हैं कि क्या हो रहे हैं। अगर मान लीजिए आपके शरीर में कोरोना वायरस या कोई भी बीमारी हावी होती है, आपके सांस लेने में दिक्कत होती है और आपका ऑक्सीजन लेवल गिरता है, आपके नॉर्मल ऑक्सीजन लेवल जो 94 से 98, 99, 100 तक रह सकता है डिपेंडिंग अपॉन उसके बेसिक बेसलाइन लेवल कितने हैं, अगर वो 4 या 6 से गिरता है जो आपका बेसलाइन है तो वो सिग्निफिकेंट है। 6 मिनट वॉक टेस्ट, 6 मिनट चलने के बाद अगर आपको ऑक्सीजन लेवल 4 या 6 से गिरता है तो वो सिग्निफिकेंट है, तब आपको अपने टेस्ट करवाने होंगे, सीटी स्कैन करवाना होगा, आपको दूसरे टेस्ट करवाने होंगे, HSCRP, IL-Seq, D-dimer, आपको ये सारे करा के देखना होगा बीमारी ज्यादा बढ़ तो नहीं रही, सीरम फेरेटिन। तो इस पर्टिकुलर अकेले एक इंस्ट्रूमेंट से, एक पल्स ऑक्सीमीटर से आप ये जान सकते हैं कि कब पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट करना है, कब तक घर में रखना है, ये जान सकते हैं कि कब पेशेंट को ऑक्सीजन थेरेपी देनी है कब नहीं देनी है। और कई लोग ऑक्सीजन थेरेपी खुद शुरू कर देते हैं, डॉक्टर को बताते नहीं, बात नहीं करते, गलत है। आपका अगर ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है आपको टेस्ट करवाने हैं, डॉक्टर से बात करनी है, ऑक्सीजन लेवल डॉक्टर कहता है तो स्टार्ट करना है घर पे, वरना हॉस्पिटल में एडमिट करना है। अगर आपका ऑक्सीजन लेवल 90 से नीचे जा रहा है इट इज क्रिटिकल, वो लो है, बहुत ज्यादा है, तुरंत हॉस्पिटल में बात करिए, डॉक्टर से बात करिए।
वरना हाइपोक्सिया में आए, हाइपोक्सीमिया में आपका ब्रेन डैमेज हो सकता है, ऑर्गन डैमेज हो सकता है, ऑर्गन फेलियर हो सकता है, हार्ट कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, बहुत सारी बीमारियां ऐसी सीरियस सीरियस कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। इसीलिए इस ऑक्सीमीटर को आपको अपने एवरीडे रूटीन में डालना होगा। तो कोविड का भरोसा नहीं है, वो अभी जाएगा कभी जाएगा, और वैक्सीन आएगी कितनी सक्सेसफुल होगी अभी कोई भरोसा नहीं, आगे चल के पता चलेगा, मगर आज प्रिकॉशन जरूरी है। तो सिर्फ मास्क और सैनिटाइजर से काम नहीं चलेगा, घर में ऑक्सीजन सैचुरेशन प्रोब, सैचुरेशन वाला ऑक्सीमीटर होना चाहिए। अब प्रॉब्लम यह है कि जितनी ज्यादा सैचुरेशन की डिमांड हो गई है कि भर गया है मार्केट, ये सैचुरेटर वो सैचुरेशन ऑक्सीजन मॉनिटर और वो ऑक्सीमीटर, इतने ऑक्सीजन मॉनिटर आ गए हैं, इतने ऑफर है, सस्ते में ले लो, अब तो ठेले पे बिकने लग जाए, ऐसा पता नहीं रोड साइड बिकने लग जाए, कोई भरोसा नहीं है। तो इसीलिए गलत प्रोडक्ट से भी बचना। जी हाँ, फेक प्रोडक्ट्स भी हैं मार्केट में जो गलत बताते हैं, जो कई बार अभी ट्विटर में भी अगर आप फॉलो करते हैं तो उन्होंने देखा होगा कि कई सारे डॉक्टर्स भी इस बारे में बात कर रहे हैं कि फेक ऑक्सीमीटर्स आर देयर विच आर अनरजिस्टर्ड, उनका कोई सर्टिफिकेशन नहीं है, कोई वारंटी गारंटी नहीं है, आप ले लेते हैं क्योंकि वो थोड़ा सस्ते में मिल रहा है, बस वो गलत है। बहुत प्रोडक्ट्स हैं, कई बार प्रोडक्ट्स ज्यादातर ऐसे दूसरी कंपनीज, चाइनीज कंपनीज या दूसरी तीसरी ऐसी फॉरेन कंपनीज के होते हैं, अनब्रांडेड होते हैं, फेक होते हैं, चाहे वो ऑक्सीमीटर है चाहे थर्मोमीटर, आप ले लेते हो। हमेशा हमेशा अपने पास जो ऑक्सीमीटर है अगर है तो उसको डॉक्टर के पास हॉस्पिटल में जाके कंपेयर करो, आपका और उनका परफेक्ट है कि नहीं। ब्लड प्रेशर की मशीन है वो जाके कंपेयर करो, सब मशीनों को कंपेयर करना चाहिए आप एक डॉक्टर या हॉस्पिटल के अंदर जाके। और अगर जब खरीद रहे हो तो बहुत जरूरी है सबसे पहले वारंटी देखो, तो उसमें एक साल की वारंटी मिनिमम होनी चाहिए और वो कंपनी रजिस्टर्ड होनी चाहिए, बहुत जरूरी है। जेन्युइन रजिस्टर्ड कंपनी से खरीदिए, ये नहीं कि ऑफर मिल रहा, ऑफर मिल रहा, रोड पे मिल रहा, यहां मिल रहा, सस्ते में मिल रहा, खरीद लो, नहीं, ये ऑक्सीजन लेवल है, ये आपकी सुरक्षा का सवाल है। और वोकल फॉर लोकल, इंडियन कंपनी से खरीदो, इंडिया के पास पैसा आना चाहिए ना कि बाहर जाना चाहिए। सो लो क्वालिटी और इस तरीके के फेक अनब्रांडेड प्रोडक्ट को लेके आज हम आपको एक नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, इंट्रोड्यूसिंग तुष्टि। तुष्टि, जी हाँ, ये तुष्टि, तुष्टि का मतलब संतुष्टि, जी हाँ, ये ब्रांड है संतुष्टि, ये आज ही अभी नया नया आपके सामने इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, नया ब्रांड है और ये फुल्ली रजिस्टर्ड है, इन्होंने सारे सर्टिफिकेशंस FDA, WHO, ISO सारे सर्टिफिकेशंस लिए हुए हैं, सर्टिफाइड कंपनी है, एक साल का वारंटी के साथ आपको ये पल्स ऑक्सीमीटर मिल रहा है। पल्स ऑक्सीमीटर बहुत जरूरी है, कॉस्ट इफेक्टिव तरीका है, रोज इस्तेमाल होना चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि कैसे हो रहा है। ये तुष्टि का जो प्रोडक्ट है, इन्होंने सोनू सूद, आप जानते हैं हमारे बहुत उम्दा एक्टर और साथ ही बहुत बढ़िया इंसान, जो इस COVID-19 के टाइम पे सबकी मदद कर रहे हैं, सोनू सूद हैज ऑल्सो एंडोर्स्ड दिस कंपनी, सो वेरी नाइस, दे आर वेरी जेन्युइन। ये इनका पल्स ऑक्सीमीटर है। इस पल्स ऑक्सीमीटर को कैसे इस्तेमाल करना है, इसमें आपको एक साल की वारंटी भी मिलेगी, साथ में एक हेल्पलाइन नंबर भी है, कोई इशू हो आप कॉल करिए, आपको मदद मिलेगी। इसमें आपको बैटरी डालनी है, उसके बाद एक बार बटन दबाना है और उस बटन दबाने से ये आपका तुष्टि का ऑक्सीमीटर शुरू हो जाएगा। इसमें सिर्फ आपको एक फिंगर डालना है, इस फिंगर डालने से विद इन अ फ्यू सेकेंड्स, कुछ ही सेकेंड्स में आपका ऑक्सीजन लेवल इस पे आ जाएगा, कुछ ही सेकेंड्स में, सो आप देख सकते हैं कुछ ही सेकेंड्स में आपका ऑक्सीजन, साथ ही आपका पल्स रेट, आपका पल्स रेट और ऑक्सीजन, ये 10 सेकेंड में बंद हो जाता है, ये आपकी बैटरी भी बचाता है और बैटरी दिखाएगा भी कि कितनी बैटरी है, ताकि रिप्लेस करना हो तो रिप्लेस कर लीजिए। वेरी लाइट टू कैरी और वेरी वेरी इजी टू यूज, कोई पैसा नहीं लग रहा, कुछ नहीं, सिर्फ बैटरी। हाँ, और याद रखिए, ये हर इंसान यूज कर सकता है, हर जगह यूज कर सकता है और हर बीमारी, इवन बीमार लोग, हार्ट फेलियर, COPD, आपको कोई बीमारी हो, आपके पास में घर में पल्स ऑक्सीमीटर होना चाहिए। सो मेक श्योर कि आप ब्रांडेड अच्छी कंपनी का लो, जरूरी है बहुत ब्रांडेड हो, इंडियन ब्रांड हो और सर्टिफाइड कंपनी का लीजिए। इस पर्टिकुलर तुष्टि, तुष्टि का मतलब संतुष्टि, आपको संतुष्टि होगी इसको लेके, तो इसको ट्राई कर सकते हैं। इसका लिंक
मैं नीचे दे दूंगा, आज ही ये नया नया मार्केट में आया है, आपके लिए ताजा ताजा निकाला है. सो दिस इज अ गुड ब्रांड, आई वुड रेकमेंड, प्लीज गो एंड चेक इट आउट. इसके रेट्स आपको नीचे मिल जाएंगे, डिस्काउंटेड रेट्स, चेक करिए, मंगवाइए, यूज करिए. और इस पर्टिकुलर कंपनी का आपको इंफ्रारेड थर्मोमीटर भी मिल जाएगा अगर आप लेना चाहें तो. सो इंफ्रारेड थर्मोमीटर और पल्स ऑक्सीमीटर, ये दोनों अवेलेबल हैं इस पर्टिकुलर कंपनी तुष्टि के, जिससे आपको लेने से होगी संतुष्टि. तो जरूर चेकआउट करिए एंड स्टे सेफ, स्टे हेल्दी.